अब हम सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होगा, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा या फिर नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन ये होगा जरूर। और भाई रॉक करेंगे अपना सर्वाइवल सीरीज के अंदर रिटर्न, लेकिन प्लान्स हो गए चेंज और भाई WWE जो है इस मैच को नहीं करने वाली है रेसलमेनिया 38 के अंदर। तो भाई क्या इसके पीछे के पूरे रिकॉर्डिंग प्लान्स वो इस वीडियो के अंदर डिसाइड करने वाले हैं। और भाई अपने रोमन रेंस ने भी गाइस एक बड़ा रिकॉर्ड कर दिया है खुद के ऊपर कायम, साथ ही में एक्सट्रीम रूल्स के लिए भी WWE एक मैच कर रही है पहले से एडवर्टाइज। एज ने भी फिर एक बार कर दिया है सेथ रॉन्स को चैलेंज, जो कि भाई बहुत बड़ी थिंग वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला, तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग चाहे लास्ट तक जरूर देखना, और भाई गाइस चैनल पर है तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं उसी मैच के बारे में जो कि WWE कर रही है एडवर्टाइज एक्सट्रीम रूल्स 2021 के लिए, और भाई ये होने वाला है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए प्रियंका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और भाई ये मैच जो है मतलब जहाँ पर होने वाला है WWE का एक्सट्रीम रूल्स, वहाँ पर जो है गवर्नर्स के वगैरह जो थिंग है वो यहाँ पर जो इस ये पोस्टर फिलहाल रिवील हो चुके हैं। और भाई मे भी ये मैच हमें कन्फर्म ही होता हुआ दिखाई दे सकते हो, क्योंकि इस प्रियंका ब्लेयर ने चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी ले ली। और भाई अब मेरे ख्याल से आने वाले समय के अंदर ये मैच WWE ऑफिशियल करते हुए हमें दिखाई दे सकती है एक्सट्रीम रूल्स 2021 के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं बेकी लिंच के बारे में, क्योंकि बेकी लिंच भी है रेटिंग्स की रेबिका। और भाई जो स्मैकडाउन के पूरे एग्जैक्ट नंबर्स आए थे जो कि 3 मिलियन के आसपास थे, तो वह जिसके ऊपर बेकी लिंच क्या करती है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट डालती है और भाई वो लिखते हैं रेटिंग्स रेबिका, यानी कि वो बताना चाह रही कि रेटिंग जो है मेरी वजह से आई है स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन मैन बेकी लिंच स्मैकडाउन के ऊपर, इसीलिए रेटिंग स्ट्रॉ हुई है। तो भाई ये फिलहाल कुछ बातें कहती है बेकी लिंच, और भाई अब ऑब्वियसली उनका हील कैरेक्टर है तो भाई वो ऐसी सारी की सारी बातें कहेंगे जैसे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कहते हैं। तो भाई ये फिलहाल कुछ उनका रिएक्शन था कि वो है रेटिंग स्ट्रॉ करने वाले सुपरस्टार, भाई उनकी वजह से आ चुकी स्मैकडाउन को रेटिंग्स। तो भाई आपके सबसे क्या बेकी लिंच की वजह से मैडम को रीडिंग सही है या फिर नहीं, कमेंट्स के अंदर आपकी ओपिनियन जरूर शेयर करना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में, और भाई साशा बैंक्स हो चुकी है इंजर्ड चिया गाइस। और भाई ये फिलहाल जो रिपोर्ट आ चुकी है सामने, और भाई इस अपडेट के अंदर माना जा रहा है कि मे भी जो पॉसिबली साशा बैंक्स है वो इंजर्ड बताई जा रही है, और भाई इसलिए वो हमें जो है WWE के समर स्लैम का पार्ट होते हुए नहीं दिखा दिया। और भाई हम वो भी ये करते कि जो है साशा बैंक्स जल्द जल्द अपनी रिकवरी करके आ जाए और भाई फिर एक बार वो हमें जिस मैडम के ऊपर आते हुए दिखा दे सकते हैं। और भाई यहाँ बस ये फिलहाल अपडेट है, और भाई साशा बैंक्स हमें जो है इंजर्ड होते हुए दिखा दी है, और भाई फिलहाल इसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं कि भाई क्या प्रॉब्लम साशा बैंक्स को है, मतलब कितनी उसकी जो है रिकवरी का समय होने वाला है, तो ये फिलहाल कुछ अपडेट नहीं, लेकिन स्टिल वो इंजर्ड है और जल्द से जल्द अपने रिकवर करके वो वापस आ जाए, ऐसे हम सब जो है होप करते हैं। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं अब हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो जुड़ी है एज के बारे में, और भाई एज ने भी फिर एक बार कर दिया अपने सेथ रॉन्स को चैलेंज। एज का एक जो है मैडम खत्म होने के बाद इंटरव्यू होता है जिसके अंदर एज करते हैं चैलेंज सेथ रॉन्स को, और भाई वो कहते हैं कि सेथ रॉन्स काफ़ी बढ़िया बंदा है, उसके साथ मैच करने में काफ़ी मजा है, उसने मुझे जो है ब्रूड गिमिक के अंदर डाला था, मतलब मैं ब्लैक और डार्क थिंग के अंदर गया था, और मुझे अगर सेथ रॉन्स से एक और मैच करने का मौका मिलता है तो वो मौका फिर एक बार नहीं गवाऊंगा, मैं सेथ रॉन्स को चैलेंज करने वाला हूँ, अगर मुझे मिलती है फिर एक बार अपॉर्चुनिटी तो मैं सेथ रॉन्स को चैलेंज करने वाला हूँ, और मैं उसके अंदर एक स्टिपुलेशन ऐड करना चाहता हूँ जो कि हो सकती है एक्सट्रीम रूल्स की स्टिपुलेशन। तो भाई क्या ये एक्सट्रीम रूल्स के पेपर के लिए इन दोनों का मैच एज ने टीज किया है एक्सट्रीम रूल्स स्टिपुलेशन के साथ, या फिर इसके कुछ बातें एज ने की, और भाई क्या ये सारी की सारी थिंग इस तरीके से वर्कआउट हो चुकी है, इसके ऊपर फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन ये मैच होता है तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी थिंग हमें WWE के अंदर दिखाई होते हुए दिखा दे सकती हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, जिन्होंने WWE के अंदर एक नया रिकॉर्ड कर दिया, और भाई अपने रोमन रेंस जो है उनके नाम पर हो गया एक रिकॉर्ड, नहीं वैसे उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया, और भाई ये रोमन रेंस का माइलस्टोन है ये है गाइस रोमन रेंस को एक मतलब पूरा का पूरा एक साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ यूनिवर्सल चैंपियन। और भाई 30 अगस्त ये दिन था, मतलब 21 अगस्त आप इसे कह सकते हो, तो इस दिन पर अपने रोमन रेंस है वो बने थे पिछले साल यूनिवर्सल चैंपियन, और भाई उन्होंने हराया था अपने फीन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को, और भाई वो बन गए थे नए यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई ये रोमन रेंस के नाम पर एक नया रिकॉर्ड सेट हो चुका है, और भाई रोमन रेंस जैसे यूनिवर्सल चैंपियन बनते गए
बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थिंग्स अपने जो है लाइफ के अंदर अचीव किया, और भाई ये काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बढ़िया रोमरेस का जो है माइलस्टोन होने वाले। तो भाई इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन, जब रोमरेस ने क्या है एक साल कंप्लीट एज अ यूनिवर्सल चैंपियन, और भाई क्या वो इसके साथ ही क्या अगला भी ईयर एज अ यूनिवर्सल चैंपियन एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके जरूर आपकी ओपिनियन शेयर करना। फाइनल गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने रॉक के रिटर्न के बारे में, जो कि अब हो चुका है कैंसिल, और भाई रोमरेस वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया के लिए हो चुका है कैंसिल। और भाई WWE जो है हम पहले से प्लान करके रख चुके थे कि मतलब सारी WWE से फिलहाल बैकस्टेज से बातें चली थी कि रॉक वर्सेस रोमरेस होने वाला है 38 रेसलमेनिया के अंदर, रॉक आएंगे सर्वाइवल सीरीज के अंदर वापस, रोमरेस रॉक करेंगे एक दूसरे को कन्फ्रंट, और भाई उसके बाद मैच हो जाएगा, चैंपियनशिप होती ना होती इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं था, लेकिन स्टिल अगर रॉक 38 के लिए होते तो ये फिलहाल मैच होता। लेकिन अभी फिलहाल नई रिपोर्ट ये आ चुकी है कि इस रिपोर्ट के अंदर माना गया है कि रोमरेस एंड रॉक का मैच WWE ने पोस्टपोन कर दिया, और भाई ये मैच होने वाला है WWE के रेसलमेनिया 39 के अंदर, जो कि पॉसिबली होने वाला है ऑब्वियसली हॉलीवुड के थीम के साथ। और भाई इसके लिए WWE रोमरेस एंड रॉक का मैच प्लान करिए, और भाई उनके मूव्स के शेड्यूल वगैरह भी होते तो स्टिल WWE अब जो है रोमरेस एंड रॉक का मैच करने वाली है रेसलमेनिया 39 के ऊपर। तो मेरे से देख लेते क्या होते हैं इनके मैच का। लेकिन गाइस आज की हमारी वीडियो बस यही देखती है, आपको हमारी आज की वाली वीडियो पसंद है तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक, कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रही। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।